दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कोरियन रोमांटिक मूवी को, जिसे जून 2021 में काफी पसंद किया गया था। दोस्तों, इस मूवी का टाइटल है स्वीट एंड सोर। जी हाँ दोस्तों, नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे। जैसे हर रियल लाइफ रिलेशन में कभी मिठास तो कभी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही है, तो मूवी की शुरुआत होती है और पहले सीन में ली जेंग ह्योक नाम के एक मोटू लड़के को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। ली जेंग ह्योक इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा पढ़ाई करता है कि उसका एग्जाम तो क्लियर हो जाता है, मगर उसे जॉन्डिस और हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके चलते उसे पिछले 3 महीनों से बेड रेस्ट करना पड़ रहा है। उसके वार्ड के बाकी पेशेंट उसकी बीमारी के चलते उससे दूरी बना के रखते हैं और उसे मोटा खरगोश कहकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। यहाँ तक कि जब उसके मॉम डैड उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं तो वो भी ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके दोस्त भी उसे फोन पे मैसेज करके तो उसका हालचाल पूछते हैं, मगर कोई भी उससे मिलने हॉस्पिटल नहीं आता। उसे बहुत बोरिंग फील होता था, लेकिन केवल एक ही थी जो उसका ध्यान भी रखती थी और उसके पास भी बैठती थी। ये थी उसकी नर्स डायुन। तो सो एक दिन जब डायुन उसके वार्ड के पर्दे को हटा रही होती है तो रूम शेयर कर रहे बाकी पेशेंट्स उसे ऐसा नहीं करने को कहते हैं, मगर डायुन उन्हें डांटते हुए बताती है कि हेपेटाइटिस फैलने वाली बीमारी नहीं है और उन्हें जेंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। डायुन बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करती है। जब वो जेंग को उदास देखती है तो उसे खुश करने के लिए उसके ग्लूकोज बैग को किस करती है। जेंग को कुछ ही समय में डायुन से लगाव हो गया था। अगले सीन में जब नाइट के वक्त ह्योक को अच्छा नहीं फील हो रहा था तो वो हॉल में टहलने लगता है, जहाँ उसकी नजर डायुन पर पड़ती है। दोस्तों, डायुन स्टेज के पास की खिड़की के कॉर्नर पे स्मोक कर रही थी। जेंग उसके पास जाता है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और डायुन उसे बताती है कि लगातार नाइट शिफ्ट में काम करने की वजह से वो बहुत थक जाती है और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ही वो चुपके से कभी कभी स्मोक करती है। तभी अचानक उसकी नजर डायुन की रिंग पे पड़ती है, जिसे देखकर वो उदास हो गया था। लेकिन तभी डायुन उसे बताती है कि ये उसकी ग्रेजुएशन रिंग है। ये सुनके जेंग की जान में जान आती है और वो मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि डायुन अभी सिंगल थी। इसी बीच डायुन की नजर नीचे से आ रही हेड नर्स के ऊपर पड़ती है और वो अपनी सिगरेट को जेंग की तरफ करके उस पर गुस्सा करके कहती है कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अभी तुम ठीक नहीं हुए हो और ऐसे हालत में स्मोक करना तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। जेंग को अचानक उसका बिहेवियर समझ तो नहीं आता, मगर वो उसे सॉरी बोलकर अपने रूम में वापस चला जाता है। अगली सुबह डायुन रात के लिए जेंग से माफी मांगती है और इसके बदले उसके लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट भी लेकर आती है, मगर जेंग उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं था। दोनों बातें करते हैं और डायुन को इतनी भूख लग रही होती है कि वो जेंग का खाना भी खुद ही खा लेती है और अगली बार उसे बढ़िया पार्टी देने का प्रॉमिस करती है। इसी बीच रूम का एक पेशेंट अपने साथ वाले दो और पेशेंट को गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि जरूर तुमने ही मेरा खाना चुराया होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका खाना आखिर किसने खाया। एक बार जेंग उसी जगह स्मोक करता है ताकि डायुन को इम्प्रेस कर सके, मगर इम्प्रेस होना तो दूर, उल्टा डायुन उस पर गुस्सा करती है कि स्मोकिंग करने से उसकी मेडिकल कंडीशन खराब हो सकती है। डायुन से माफी मांगने के लिए ह्योक अपने फोन के वॉलपेपर पर सॉरी आई विल नेवर स्मोक अगेन लिखता है और उसे कॉल करके अपने रूम में बुलाने की कोशिश करता है। जब वो वहाँ आती है तो जेंग कभी उसके लिए फ्रूट्स रखता तो कभी उसकी बोतल में नूडल्स डाल दिया करता है। इसके अलावा जब भी डायुन नाइट शिफ्ट करके बहुत थक जाती तो जेंग के वार्ड में आकर रेस्ट कर लेती है और जेंग हर बार उसे सही समय पे उठा देता है। जब डायुन को भूख लगती है तब जेंग अपने पड़ोसी के फ्रिज से चुपके से खाना निकाल कर उसे दे देता था, मगर एक दिन डॉक्टर्स की टीम जेंग की कंडीशंस को बेहतर देखकर उसे डिस्चार्ज करने की बात उससे कहती है, मगर जेंग कुछ और दिन वही रहना चाहता है। वो अचानक खांसने लगता है और कहता है मुझे अभी और आराम की जरूरत है। डॉक्टर्स उसकी इस बात पर हंसते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम वीकेंड पे चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ सकते हो। जेंग डायुन को अपने दिल की बात बताना चाहता है, पर डायुन किसी खास वजह से उस दिन हॉस्पिटल नहीं आई थी। अगले दिन जेंग के मॉम डैड उसे लेने हॉस्पिटल आते हैं और ना चाहते हुए भी बिना डायुन से मिले ही उसे वहाँ से जाना पड़ता है।
वो अपने कुछ दोस्तों को भी डायन के बारे में बताता है, मगर उसके दोस्त उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। जेंग को डायन की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन जेंग अगले सीन में हॉस्पिटल जाकर स्टाफ लिस्ट से डायन का फोन नंबर नोट करने की कोशिश करता है, मगर वो डायन के नंबर के 6-7 डिजिट ही देख पाता है और उतने में ही वहाँ हेड नर्स आ जाती है। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछे, जेंग हॉस्पिटल से चला जाता है और उसे नंबर नहीं याद रहता। लेकिन जेंग हार नहीं मानता है और घर आकर अपने रूम में कई सारे कॉम्बिनेशंस डायल करके ट्राई करते करते पूरी दीवार नंबर्स की लिस्ट से भर देता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिर में जब उसका नंबर डायन पिक करती है तो वो उसे हियप्पा कहकर उसे अपने घर पर आने को भी कहती है। जेंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और बिना घर पे बताए ही अपने डैड की कार लेकर डायन के घर पहुंच जाता है। जेंग डायन को देखकर बहुत नर्वस होता है और बिना ज्यादा बातचीत करे ही वहाँ से जाने लगता है, पर डायन उसे वही रुकने को कहती है। जब डायन उसे हग करके सो रही होती है तो मोटू जेंग उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है, मगर डायन उसे ऐसा करने से रोक कर कहती है कि अगली बार करने की कोशिश भी मत करना। अगली सुबह जब डायन उठती है तो उसकी नजर ह्योक पर पड़ती है, जो उसके घर के डिफेक्टिव बल्ब को फिक्स कर रहा होता है और यहाँ तक कि उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना देता है। ये सब देखकर डायन का दिल पिघल जाता है और वो इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो जेंग को किस करती है। इसके बाद से दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं और जेंग डायन से मिलने हॉस्पिटल भी जाया करता है और उसकी मदद भी करता है। वो भी बहुत खुश रहने लगा है, हालांकि उसके मॉम डैड को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा रिलेशन में है। कभी कभी जेंग डायन से अकेले में समय बिताना चाहता है, मगर बिजी शेड्यूल के चलते ऐसा नहीं हो पाता है। एक बार जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो जेंग नोटिस करता है कि उसकी रिंग नहीं थी। वो उसके ग्रेजुएशन रिंग के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि मेरी रिंग कहीं गिर गई है। इसके बाद डायन को जेजू आइलैंड के 2 टिकट्स मिलते हैं और वो जेंग से उसके साथ जेजू जाने के लिए पूछती है। इसके लिए वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और एक क्यूट कपल्स की तरह मैचिंग टी शर्ट ट्राई करते हैं, मगर बदकिस्मती से जेंग इतना मोटू होता है कि उसके साइज की टी शर्ट उन्हें कहीं नहीं मिलती। जेंग को अपने मोटापा का बुरा लगता है और इसके चलते वो वहाँ कुछ खाने से भी मना कर देता है। अगले सीन में जब वो दोनों एयरपोर्ट पे होते हैं तो डायन उसके लिए खरीदा सरप्राइज गिफ्ट उसे देती है। दोस्तों, डायन ने जेंग को स्नीकर्स गिफ्ट किए हैं, जिन्हें देखकर जेंग बहुत खुश होता है और उसे प्रॉमिस करता है कि अगली जेजू ट्रिप के लिए वो जरूर पतला होकर ही रहेगा। वो अपने जूते पहनकर भाग रहा होता है और तभी स्टोरी में एक लीप आता है और हमें अभी का योग जॉगिंग करता दिखता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा फिट और बेहतर नजर आ रहा है। योग और डायन दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं। अपनी जॉब में भी योग बहुत अच्छा कर रहा है, जिसके चलते उसका बॉस उससे एक बड़े कॉर्पोरेट से आए ऑफर के बारे में डिस्कस करता है, जिसके लिए उसे इंटर शहर को छोड़कर सियोल जाना होगा। योग के लिए ये उसके कैरियर का सबसे बड़ा ऑफर था, इसलिए वो बिना डायन से बात करे ही बॉस को हाँ कर देता है। शाम को योग डायन को समझाने के लिए उससे बात करता है, लेकिन डायन इस बात से नाराज होती है कि उसने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उससे एक बार भी नहीं पूछा। योग अपनी नई कार लेकर डायन को हॉस्पिटल से पिक करने आता है और डायन को बताता है कि वो अपने डैड की कार मांग मांग कर थक गया था, इसलिए उसने एक नई कार खरीदी होती है, मगर उसके कार लेने की असली वजह कुछ और ही है। दरअसल वो सोल कॉर्पोरेट में वर्क करते हुए भी डायन से अक्सर अपार्टमेंट वापस आकर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो डायन को एक नई रिंग गिफ्ट करता है, क्योंकि पिछली रिंग डायन से कहीं खो गई होती है। जब वो सोल वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक आदमी ट्रैफिक के बीच अपने सर पर पानी डालकर तैयार होता दिखता है, जिसे देखकर योग सरप्राइज्ड होता है कि भला कोई इतना बिजी भी कैसे हो सकता है। अगले सीन में योग अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां एक अनजान एम्प्लॉई उसे उसके ऑफिस का रास्ता दिखाता है, जहां योग कोलिक्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसकी मुलाकात साराबू यंग से होती है, जो उसी जॉब में अपनी जगह करने के लिए उसकी कंपटीटर थी। योग अपने पुराने बॉस से बात करता है और उसे उसका बॉस अपने आप को प्रूव करने की बात कहता है। योग बुयोंग को ऑब्जर्व करता है, जिससे उसे पता चलता है कि बुयोंग भी उसी की तरह बहुत हार्ड वर्किंग और कंपटीटिव है और उससे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होता है। रात को जब योग और डायन डिनर कर रहे होते हैं
तब डायन उसे सुझाव देती है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो जॉब उसे ही मिले। वो डायन की इस बात पर गौर करता है और अगले दिन सुबह ऑफिस में सभी सीनियर्स के लिए कॉफी खरीद कर ले जाता है, मगर बुयोंग पहले ही उसका रास्ता रोककर योग को उसकी मदद करने की बात कहकर सीनियर्स को कॉफी देकर उसका क्रेडिट ले लेती है। अब बात करते हैं कंपनी की। दोस्तों, ये कंपनी एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। बुयोंग चालाकी से जेंग को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करती है, जिसके चलते जेंग को सीनियर्स की डांट भी सुननी पड़ती है। शाम को घर पहुंचने के बाद वो डायन से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता है और बस बुयोंग के बारे में बताता रहता है और बोलते बोलते ही सो जाता है। अगले सीन में प्रेजेंटेशन का दिन आता है और कंपनी के हेड और सीनियर्स की तरफ से अच्छा फीडबैक मिलता है, लेकिन तभी ह्योग बुयोंग के प्रोजेक्ट में कमी निकाल देता है। इसके बाद फाइनली बुयोंग और ह्योग दोनों को एक ही टीम में रखा जाता है और फिर से इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने को कहा जाता है ताकि कंपनी को उनकी असली काबिलियत का पता चल सके। ह्योग इस मौके का फायदा उठाता है और बुयोंग के काम में कोई ना कोई गलती निकाल कर उसे सबक सिखाता है। बुयोंग अपने वर्क को लेकर इतनी डेडिकेटेड होती है कि पूरी रात ऑफिस में बैठी रहकर प्रोजेक्ट पर काम करती है और अपना शावर भी स्किप कर देती है। योग बेहद खुश था और घर पहुंच वो डायन को बताता है कि कैसे उसने बुयोंग को सबक सिखाया। जेंग इतना थका हुआ होता है कि बोलते बोलते सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह कार से ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी खुद की हालत भी उन्हीं ऑफिस वर्कर्स के जैसे हो चुकी होती है जिन्हें वो कभी बेचारा समझता था। बहरहाल योग ऑफिस पहुंचता है जहां बुयोंग की शक्ल पे 12 बजे हुए थे, क्योंकि जिस दिन से उसकी जोड़ी योग के साथ बनी थी उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी और देर रात तक अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है। एक रात योग उसे देखकर उसके लिए बुरा फील कर रहा होता है और तभी वहां मिस्टीरियस कोवर्कर आकर उससे अजीब सी बातें करने लगता है और कहता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी उसके सामने हो योग को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। योग को कुछ समझ नहीं आता और वो बुयोंग को बताता है कि वो घर जा रहा है, मगर अचानक से बुयोंग अपना पेशेंस खो बैठती है और उसपे चिल्लाने लगती है और उस दिन वो लेट हो जाता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंटेशन का दिन आता है और उनका काम सभी को पसंद आता है और उन्हें तारीफ भी मिलती है और कंपनी उन्हें एक साथ और प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने को कहती है। उसी शाम सभी स्टाफ कंपनी डिनर पे जाते हैं, जहां बुयोंग खुशी में ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद जब योग देर रात घर वापस जाता है तो वहां डायन घर पर नहीं होती है। योग उसे फोन करता है और डायन उसे बताती है कि उसे शिफ्ट चेंज होने की वजह से आज वही हॉस्पिटल में रहना होगा। वो जेंग से घर के खराब बल्ब को ठीक करने और कूड़ा डालने को कहती है, मगर योग इतना थक रखा होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है और उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह बॉस योग और बुयोंग को और ज्यादा प्रेस करते हैं और उन्हें ऐसे ही मेहनत से काम करने को कहते हैं। बुयोंग अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और योग को थैंक्स करती है। अगले कुछ दिनों में दोनों खुशी से एंजॉय करते हुए काम को करने लगते हैं और उनके बीच एक केमिस्ट्री बनने लगती है, मगर दूसरी तरफ डायन को बहुत बुरा लग रहा होता है और उसे ह्योग के बिहेवियर में बदलाव नजर आ रहा होता है। वो कोवर्कर दोनों को और भी करीब लाने की कोशिश कर रहा होता है और बुयोंग के अंदर भी ह्योग के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और उनका अगला प्रोजेक्ट और भी सक्सेसफुल होता है। अब बुयोंग ह्योग से एक साथ डिनर पर जाने की बात कहती है और वो दोनों डिनर करने रेस्टोरेंट जाते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि इसी बीच ह्योग को डायन का कॉल आता है। ह्योग बाहर जाकर डायन से ऑफिस मीटिंग का बहाना बनाकर उसकी बात को टाल देता है। दूसरी तरफ डायन जब काम करके घर वापस लौटती है तो वो देखती है कि ह्योग ने अभी तक खराब बल्ब को चेंज नहीं किया था। वह दूसरी तरफ योग और बुयोंग दोनों एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और तभी अचानक पावर कट हो जाता है और बुयोंग रोमांटिक हीरोइन की तरह योग के नजदीक आ जाती है, मगर क्योंकि योग डायन से प्यार करता है इसलिए वो पीछे हटकर सीधा घर जाता है। जैसे ही योग घर पहुंचता है तो डायन उससे बात करे बिना ही उस पर गुस्सा कर देती है और उससे पूछती है कि तुमने लाइट के बल्ब को क्यों नहीं चेंज किया, क्या घर की सारी ड्यूटीज की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है, तुम घर पर केवल सोने के लिए आते हो। योग बहुत थक रखा होता है और डायन की बात सुनकर उसे बुरा लगता है। वो कहता है कि अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इसके बाद डायन उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। अगले सीन में डायन डॉक्टर से चेकअप कराती है और उसे पता चलता है कि वो सचमुच प्रेग्नेंट है और ऑफिस में भी इसी बारे में सोच रहा होता है और काम करते वक्त भी बुयोंग की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता।
अगले सीन में डायोन और ह्योक दोनों एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लेने के बाद बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए डॉक्टर को विजिट करते हैं। ह्योक बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा होता है, मगर डायोन इस हालत में भी उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत दर्द में होती है। ह्योक कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी लेता है ताकि वो इन मुश्किल दिनों में डायोन के साथ रह सके, मगर उसे बार बार ऑफिस से कॉल्स आ रहे होते हैं, इसलिए डायोन उसे अपने काम पे ध्यान देने को कहती है ताकि वो जॉब में परमानेंट हो सके। ह्योक फिर से ऑफिस चले जाता है। ह्योक सुबह से रात तक काम खत्म करके जल्द से जल्द डायोन के पास जाना चाहता है, मगर वो इतना थक जाता है कि उसका आना ना आना दोनों एक बराबर ही हो जाता है। ह्योक खुद भी ट्रेवल कर करके बहुत थक जाता था। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि अब क्रिसमस पास आ गया है और डायोन पहले की तरह जेजू आइलैंड के 2 टिकट्स खरीदती है। वो ह्योक से पूछती है कि क्या वो उसके साथ जेजू आइलैंड जाना चाहता है, मगर इस सवाल का जवाब ह्योक नहीं दे पाता है और अनोयड सा लग रहा होता है। यहाँ बुयोंग भी ऑफिस में ह्योक के इस अजीब बर्ताव से नाखुश थी। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ह्योक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। फाइनली अब ह्योक ने फैसला कर लिया है कि क्योंकि कुछ ही महीनों की बात है, इसलिए वो जेजू आइलैंड नहीं जाएगा और ऑफिस जाकर अपना काम करेगा। धीरे धीरे उनके काम को कामयाबी मिलती है और उनका ब्रांड और मजबूत हो जाता है। वो बुयोंग के साथ ज्यादा खुश रहने लगा है। जब वो डायोन के साथ शॉपिंग करने जाता है तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता और न ही उसकी तरफ ध्यान दे रहा होता है। यहाँ तक कि जब डायोन उसे होटल में डिनर करने के लिए कहती है तो ह्योक थकावट के चलते जल्दी घर जाने की बात करता है। जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो डायोन का मूड ऑफ होता है। जब ह्योक उसे मनाने की कोशिश करता है तो वो गलती से उसे बुयोंग कह देता है। डायोन बहुत नाराज होती है और उससे सच कहने को कहती है और बुयोंग और उसके बीच क्या चल रहा है ये सवाल भी करती है। वो उसे बताती है कि जेंग एक अच्छा हस्बैंड नहीं है और उन्हें अपना बच्चा इसी वजह से खोना पड़ा। उसकी बात सुन के ह्योक के पास कोई जवाब नहीं होता और डायोन को गुस्सा करके उसे उसके घर पे ड्रॉप कर देता है और जल्दी वहां से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में जब बुयोंग उसके करीब आती है तब इस बार ह्योक भी खुद को नहीं रोकता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक साथ ही रात बिताते हैं। जेंग उसे अपनी प्रायोरिटी बनाने लगता है, मगर उसे उसके फोन पे जेजू ट्रिप के नोटिफिकेशन आते हैं, जिसमें अभी भी उसका और डायोन का नाम लिखा होता है। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन पता चलना है कि उनकी जॉब में पोजीशन परमानेंट हुई या नहीं, और होता ये है कि बुयोंग और ह्योक दोनों को ही परमानेंट पोजीशन नहीं मिलती है। इस फैसले से वो दोनों बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं और ऑफिस के पार्टी में उनका मन भी नहीं लगता है। बुयोंग ह्योक को बताती है कि वो कनाडा जाकर काम करेगी और जेंग को भी डायोन की याद आ रही होती है। ह्योक को उसके फोन पे जेजू के फ्लाइट्स की टाइमिंग का नोटिफिकेशन आता है। ह्योक वो रिंग निकालता है जो उसने डायोन को दी थी और पार्टी बीच में छोड़कर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलता है। यहाँ उसकी नजर डायोन पे पड़ती है और वो उसकी तरफ भागता है, मगर उसकी टक्कर एक मोटू से लड़के से होती है और दोनों नीचे गिरते हैं। दोस्तों ये सीन स्टोरी को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि ये मोटू लड़का कोई और नहीं बल्कि ली जेंग ह्योक था, जिससे डायोन हॉस्पिटल में 3 महीने पहले मिली थी। और दूसरा जेंग ह्योक वो था जिसके साथ डायोन सीरियस रिलेशन में पिछले 1 साल से थी। दोस्तों उससे भी डायोन की मुलाकात हॉस्पिटल में ही हुई थी। दोस्तों लास्ट सीन में करिया जोड़ने के बाद समझ आता है कि असल में डायोन तब प्रेग्नेंट हुई थी जब वो मोटू ली जेंग ह्योक के साथ हॉस्पिटल में थी, जिससे समझ आता है कि यही वजह थी कि उसे भूख भी ज्यादा लगती थी और थकान भी ज्यादा होती थी, जैसा कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अपने बच्चे को खो देने के बाद डायोन ने ली जेंग ह्योक के साथ रिलेशन में आने का डिसीजन लिया था। आगे चलकर जब उसे जेजू ट्रिप की 2 टिकट्स मिली थी तो उसने ली जेंग के साथ जेजू आइलैंड जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि टिकट पे भी जो नाम था वो एक जैसा ही था और तो जेंग ह्योक ने जेजू जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जब इन दोनों की टक्कर होती है तो डायोन आकर मदद तो करती है, मगर पहले जेंग की नहीं बल्कि मोटू जेंग की। डायोन जेंग ह्योक को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। इसके बाद मोटू जेंग और डायोन दोनों एक साथ अपनी फ्लाइट के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हार्ट ब्रोकन जेंग को जब उसका रिलेशन पूरी तरह खत्म होता दिखता है तब वो ऑफिस की पार्टी में वापस जाकर बुयोंग को प्रपोज करते हुए डायोन वाली रिंग उसे पहनाने लगता है, मगर बुयोंग उसे साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि अभी वो अपना करियर बनाना चाहती है और उसकी रिंग उसे वापस कर देती है। जेंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।